दोस्तों, हरिद्वार से केदारनाथ भाग एक में आपने देखा कि हमने कैसे परिवार सहित केदारनाथ धाम की यात्रा पूरी की और लौटे गौरीकुंड। अगर आपने भाग एक नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित त्रियुगी नारायण मंदिर में। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ हम चलेंगे मुनकटिया मंदिर में, जो कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के रास्ते में आता है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। केदारनाथ मंदिर के दर्शन हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद एक और मंदिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जिसकी बहुत ही ज्यादा मान्यता है। शिव जी और पार्वती जी के बारे में हम लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं अभी जिस जगह खड़ी हूँ, ये वो मंदिर है जहाँ पर उन दोनों का विवाह हुआ था, जहाँ पर उन दोनों ने शादी की थी। और बहुत ही पवित्र स्थान है ये, और इस मंदिर के दर्शन मैं आप लोगों को भी कराऊंगी। और ये मंदिर जो है, ये सोमप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर है, और बाय कार टैक्सी आप लोग आ सकते हैं। और हम लोग इस मंदिर में हैं, और यहीं पर वो वेदी है जहाँ पर उन्होंने फेरे लिए थे, जहाँ पर उन्होंने विवाह किया था। तो बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की, तो चलिए करते हैं दर्शन। सोनप्रयाग से लगभग 13 किलोमीटर ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं त्रियुगी नारायण मंदिर में। मंदिर में पहुंचते ही साथ एक पंडित जी हमें मिले, जो हमें इस मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं। अब हम जो भी पूजा करेंगे वो इन पंडित जी के द्वारा ही संपन्न होगी। मंदिर परिसर में प्रवेश करके आपको छोटी मोटी स्टॉल मिलेंगी, जिनमें पूजा सामग्री और कुछ छोटे मोटे सामान रखे हैं। मंदिर के आपको कुछ इस प्रकार से दर्शन होंगे, और ये मंदिर है त्रियुगी नारायण मंदिर। कुछ पूजा सामग्री हमने खरीद ली है और हम अब चलेंगे पूजा के लिए। सीढ़ियों से उतरने के बाद हमें दिखते हैं ब्रह्मकुंड और रुद्रकुंड, जो कि स्नान के लिए हैं, और फिर विष्णुकुंड, जहां हम सब करते हैं जल आचमन। जल आचमन करके अब हम बढ़ते हैं उस पवित्र वेदी की ओर, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह किया था, 7 फेरे लिए थे। आखिरकार हमें भगवान शिव की कृपा से उस स्थान, उस वेदी में पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह किया था। अब हम चलेंगे भगवान विष्णु के मंदिर में, जहां 3 युगों से एक ज्योति जल रही है, अभी कपाट बंद है। यहां मेरे पिताजी जो बही खाता होता है अपने पूर्वजों का, जितने लोग यहां आए हैं, तो उसको अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। बही जिसे कहते हैं, जिसमें पूरे हमारे पूर्वजों का नाम होगा। ये माता का मंदिर, ये गणेश भगवान जी, और ये मंदिर है। फिलहाल अभी कपाट बंद है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड नो फोटोग्राफी, यानी कि हम फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर, तो वो उसके दर्शन करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। ये एक विष्णु नारायण जी का मंदिर है, अंदर 3 युगों से ज्योति जल रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ज्योति है 3 युगों से जल रही है, उसके भी दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे एक बड़े सा यज्ञशाला भी बनी हुई है मंदिर के अंदर, जहाँ पे आप लकड़ी का दान कर सकते हैं और उस यज्ञ में। अब हम चलते हैं मुनकटिया की ओर, जहाँ भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश जी का सिर काटा था। हम इस समय पैदल रास्ते में हैं और हम एक मंदिर की ओर जा रहे हैं।
त्रियुगीनाथ मंदिर गए थे हम लोग इससे पहले, जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। इसके बाद हम लोगों को पता है और ऐसी कथाएं हैं, हमने सुनी है कि शंकर भगवान ने गणेश जी का सिर काटा था, और मैं जा रही हूँ उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने गणेश भगवान का सिर काटा था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन बहुत ही थकाने वाला भी है। रास्ता आप देख रहे हैं, जितने भी मंदिर हैं सब जगह चढ़ाई है और बहुत कठिन है। ईश्वर के दर्शन करना आसान नहीं है बिल्कुल भी, और रास्ते टूटे हुए हैं, देखिए बिल्कुल टूटे हुए रास्ते हैं, और किसी तरह से चढ़ के बहुत मुश्किल से हम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं। और ये है वो मंदिर जिसका नाम है मुन कटिया, और मुन का अर्थ होता है यहाँ की लैंग्वेज में सर, और शिव जी ने यहीं पर गणेश भगवान का सिर काटा था। और ये एक बहुत ही छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे कोई है भी नहीं इस वक्त, और जंगल में है ये मंदिर। दोस्तों अब हम हैं एक और मंदिर में जिसका नाम है मुन कटिया। इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान शिव ने, जो गणेश जी हैं उनका, गणेश भगवान जी हैं उनका सर यहीं पे काटा था, और फिर जो हाथी का सर है उनका वो यहीं पे लगाया गया था। अब मैं यहाँ पे, एक बोर्ड भी है जिसमें ये लिखा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि शिव पुराण के अनुसार यही वह सनातन स्थान है जहाँ भगवान शिव ने श्री गणेश जी का सिर लीला में काटा था। तो ये वो जगह है, ये मंदिर। ये वो मंदिर है, यहाँ जो मूर्ति है उसमें सर नहीं है। मुन कटिया इस जगह का नाम है। ये भी सोनप्रयाग के पास ऊपर है, रोड से ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट की थोड़ी चढ़ाई है। इस जगह को भी देखिए, यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक्चुअली में कोई पुजारी अभी नहीं है, और जिससे हम पूरी और जानकारी लेते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है और जो हमें हमारे ड्राइवर ने बताया उसके अनुसार हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब हम चलेंगे, अब वापसी की यात्रा करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी केदारनाथ धाम की पूरी यात्रा जो हमने आपको हरिद्वार से केदारनाथ भाग एक व भाग दो में दिखाई। अगर आपने भाग एक अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप भी केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो इन दोनों मंदिरों के दर्शन जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और भी वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।